सुनीत्रा पवार को बारामती से उम्मीदवार बनाया जाना षड्यंत्र। सुप्रिया सुले ने कहा, बीजेपी हमारे परिवार को। बारामती से निवर्तमान सांसद सुप्रिया सुले ने महायुति द्वारा उनके खिलाफ उनकी भाभी सुनीत्रा पवार को उतारे जाने को बीजेपी का षड्यंत्र करार दिया है। सुप्रिया ने आरोप लगाया कि वह चुनावी लड़ाई विकास के लिए नहीं बल्कि पवार साहब को खत्म करने के लिए लड़ी जा रही है। सुप्रिया सुले को इंडिया गठबंधन की ओर से बारामती से टिकट दिया गया है। इस पर उन्होंने कहा कि मैं इंडिया गठबंधन का तहे दिल से आभार जताती हूं, जिसने मुझे बारामती निर्वाचन क्षेत्र से एक बार फिर उम्मीदवारी दी है। यह पवार परिवार के खिलाफ षड्यंत्र, सुप्रिया। वहीं डिप्टी सीएम अजीत पवार द्वारा उनकी पत्नी सुनेत्रा को बारामती से चुनावी मैदान में उतारने पर सुप्रिया सुले ने कहा, वह मेरे बड़े भाई की पत्नी है, मेरी बड़ी भाभी है, हमारे यहाँ बड़ी भाभी माँ के समान होती है। ये राजनीति, ये षड्यंत्र पवार फैमिली और महाराष्ट्र के खिलाफ है। बीजेपी पवार साहब खत्म करना चाहती है, मैं नहीं कह रही बल्कि बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता बारामती में आकर कह रही थी, भाभी मेरे लिए माँ समान रहेगी। सुप्रिया सुले ने हमला जारी रखते हुए कहा, यह विकास की लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई पवार साहब को खत्म करने के लिए है। ये महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता जिनका दिल्ली में उतना बड़ा काम है, उसे खत्म करने की कोशिश है, यह खुद उनके बीजेपी नेता कहते हैं। बीजेपी कितनी गंदी राजनीति महाराष्ट्र में और हमारे घर में कर रही है, जो हुआ सो हुआ, भाभी मेरे लिए माँ समान रहेगी। सुले ने आगे कहा, यह व्यक्तिगत नहीं वैचारिक लड़ाई है, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ बीजेपी कुछ नहीं कर रही। मैंने 18 साल से कभी भी किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की है। बता दें कि एनसीपी शरद चंद्र पवार की ओर से शनिवार को 5 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है। इसमें वर्धा से अमर काले, देंदौड़ी से भास्कर राव बगरे, शिरूर से अमोल कोहले, बारामती से सुप्रिया सुले और अहमदनगर से नीलेश लंके को टिकट दिया गया है। सुनेत्रा ने उम्मीदवारी पर कही यह बात। वहीं बारामती सीट टिकट मिलने के बाद सुनेत्रा पवार ने कहा कि यह उनके लिए सौभाग्य की बात है। सुनेत्रा ने कहा कि पीएम मोदी, अमित शाह और महायुति के सभी नेताओं को मुझे चुनाव लड़ने योग्य समझने के लिए आभार जताती हूँ। सुनेत्रा ने सुप्रिया सुले के खिलाफ लड़ने के सवाल पर कहा था कि फैसला जनता के हाथ में है। मैं इंडिया गठबंधन की तहे दिल से आभारी हूँ कि उन्होंने फिर एक बार मुझे बारामती के निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवारी दी। मैं उनको बहुत बहुत आभारी हूँ। वैसे देखे जाए तो वो मेरे बड़े भाई की पत्नी है, मेरी भाभी है, और जो संस्कार मुझ पे हुए हैं उसमें बड़ी भाभी ये माँ के समान होती है। तो ये राजनीति, ये षड्यंत्र पवार फैमिली और महाराष्ट्र के खिलाफ है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी आदरणीय पवार साहब को खत्म करना चाहती है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बारामती में आके कहे। तो ये विकास के लिए वगैरह कुछ नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ पवार साहब को खत्म करने के लिए। ये महाराष्ट्र के एक वरिष्ठ नेता जो दिल्ली में इतना बड़ा उनका काम है, देश में काम है, उनको खत्म करने के लिए। और ये मेरा आरोप नहीं है, ये उनके नेतागण कहते हैं। तो ये दुख की बात है कि बीजेपी इतनी गंदी राजनीति महाराष्ट्र में और हमारे घर में कर रही है। लेकिन जो हुआ वो हुआ, लेकिन मेरे मन में हमेशा ही आदरणीय मेरी जो भाभी है, जिसको मराठी में हम बहनी कहते हैं, वो माँ की जगह ही रहेगी। और उनका हमेशा मेरी तरह से